ग्राम वटियागढ़ में अतिथि शिक्षक को लेके जो समस्या चल रही है वो इस प्रकार से है कि 2013 में मार्च के माह में जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने इन लोगों को आश्वासन दिया था कि मार्च माह 2016 में इनको संविदा शिक्षक के रूप में नियुक्ति दी जाएगी। चाहे जो मजबूरी हो हमारी पूरी हो। हम लोग धरने पर इसलिए बैठे हैं विगत कई दिनों से कि पूरे मध्य प्रदेश में हड़ताल चल रही है। जो शासन ने हम लोगों के साथ वादा खिलाफी की है, सीएम ने भी की है कि आप लोगों को नियमित किया जाएगा, आपकी सैलरी दूनी की जाएगी। विगत वर्ष में पिछले सत्र में घोषणा की थी श्री पारस चंद जन शिक्षा मंत्री ने कि आप लोगों का वेतन दूना दिया जाएगा। मार्च में आदेश आने वाले थे 2016 में, लेकिन आज दिनांक तक किसी प्रकार के ना आदेश ना किसी प्रकार की सैलरी दूनी कर रही है। ये सब वादा खिलाफी जो किया था सीएम ने और शिक्षा मंत्री ने, वो आज तक उस पर अमल नहीं पाया है। हमारी हड़ताल का आज 10वां दिन है। हम लोग लगातार स्कूल का बहिष्कार कर रहे हैं। किसी प्रकार का कोई अतिथि शिक्षक शैक्षणिक कार्य नहीं कर रहा है। हम लोगों के लिए 100 रुपये से लेकर 150 रुपये की मजदूरी से भी कम राशि दी जाती है, उसकी अपन मजदूरी भी नहीं कह सकते हैं। वैसे ऑफिशियल रिकॉर्डों में तो हम लोगों को के लिए 3 पीरियड का काम दिया जाता है, 4 पीरियड का काम दिया जाता है, लेकिन हम लोगों को 6 पीरियड मतलब दिन भर काम कराया जाता है। इसके बाद भी हम लोगों को ना तो छुट्टियों का वेतन मिलता है, ना ही किसी प्रकार का अन्य वेतन मिलता है। इतना ही वेतन मिलता है, इतने में भी हम लोगों का परिवार गुजारा संभव नहीं हो पाता है, बस मजबूरी रहती है। अब हमें समझ में ये नहीं आ रहा है कि अतिथि शिक्षक व्यवस्था यदि अल्पकालीन थी तो इतने समय से क्यों चली आ रही है। इसको ख़त्म कर देना चाहिए था और बेरोजगार रोजगार दे देना चाहिए था, ये बेरोजगारी ख़त्म हो जाती। आप सभी देखने वाले श्रोताओं से मेरी अपील है कि आप भी मेरे साथ इस सभी समुदाय की मदद करें। जो शिक्षा अधिकारी हैं जिले के, उनका नाम है बीपी सिंह जी, जिनका फ़ोन नंबर है 88 27 39 98 47। मैं आरती वाल्मीकि वटियागढ़ जिला दमोह मध्य प्रदेश से, इंडिया अनहार्ट के लिए।